हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों को सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए, आप देख ही रहे स्क्रीन पे फ्रेंड, ये कैप स्लीप का एक वेरिएशन मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैं जब स्लीप आप लोगों को दिखा रहा था तब मैंने बोला था इसका वेरिएशन और डिज़ाइन करके बाद में दिखा दूंगा, तो वो वक्त आ गया है, मैं आप दिखाने जा रहा हूँ। तो अगर किसी को बेसिक ना पता हो फ्रेंड, तो आप उसी जो हमारा स्लीप का मैंने दो कैटेगरी रखा है, एक में रखा है सिर्फ इमेज रखा है और एक में बेसिक रखा है और एक में स्लीप डिज़ाइन रखा है। ठीक है, ये दो तीन कैटेगरी शायद है चैनल के, आप वो सारे देख लीजिए, और ताकि आप लोगों को बेसिक का पता हो। बेसिक अगर ना हो तो आप लोग ये डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप बेसिक पहले देख लीजिए। ये कैप स्लीप है, कैप स्लीप के ऊपर मैं ये छतरी डिज़ाइन आज दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक बेसिक लेना है। ठीक है, और वो दिखाने से पहले मैं बता दूँ फ्रेंड आप लोगों को, आप लोग अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो फ्रेंड नीचे जो देख रहा है जो रेड वाला बटन में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसमें क्लिक करिए, और साइड में बेल, अब देखेगा बेल वाला बटन है, उसमें क्लिक करके आप नोटिफिकेशन ले लीजिए। तो उसमें क्या है, जब भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन यानी कि वो वीडियो आपके पास चले जाएगा। तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और इसी के साथ हमारा चैनल में बहुत कुछ आप लोगों को नया नया आइटम सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं इसका ड्राफ्टिंग आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ। ये हमारे पास फ्रेंड एक कैप स्लीव है। ठीक है, और ये कैप स्लीप के जो छतरी डिज़ाइन आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, ये मैंने नया बनाया है आप लोगों के लिए, और बहुत बढ़िया है ये डिज़ाइन। तो क्या करना है, इस जगह में एक मेज़रमेंट करना है, वो क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। तो फ्रेंड ये देखिए, इस जगह में अगर आपने फोल्ड लिया है तो इसमें दोनों मिलाकर फोल्ड लेना है, यानी कि 1/3 करना है इसे। अगर 7.5, चलिए 8 है इसका, तो 8 का 1/3 करूँ तो जितना आएगा फ्रेंड उसी तरह आप लोग मेज़रमेंट लीजिए। मैं तो फ्री हैंड इसमें ले रहा हूँ। तो ये देखिए, इसमें 4.5 हुआ है, और दोनों फोल्ड करके इसमें कितना आएगा इसी तरह आपको देखना है। ठीक है, इसी तरह करके ले लीजिए। जैसे मैं इस तरह अगर आप लोग करें तो इसमें कोई आपको मेज़रमेंट नहीं लगेगा। एक को इसी तरह करके लीजिए, और एक को चलिए थोड़ा सा और कम कर दूँ। ये देखिए, मैंने फोल्ड करके ले रहा हूँ फ्रेंड, और इसमें एक को खुला, चलिए ये सही लग रहा है। तो इसी तरह, और इसका भी और एक थिकनेस होता है। तो थिकनेस का मतलब है जैसे कि छतरी इस तरह होता है, तो कैसे मेज़रमेंट लेना है ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे और इसके ऐसे। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने सीधा कर दिया है, और इसके बाद क्या करना है हमें, इसी तरह छतरी जैसा होता है फ्रेंड, तो उसी तरह मैंने इसमें ज़्यादातर फोल्ड नहीं दे रहा हूँ, इसमें मैंने दो ही फोल्ड दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे इसका और भी ज़्यादा फोल्ड आप लोग दे सकते हो, ये छोटा छोटा करके आप लोग दे सकते हो। मैंने इसे मिडिल में रखा है, आप लोग साइड में रखे तो इसी तरह इक्वल करके करिए, ताकि इसमें अगर 8 है तो 2-2 करके आप फोल्ड कीजिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल सा दिखा रहा हूँ, मैंने दो इसमें फोल्ड किया है, तो उसके बाद इसे कटिंग करूँगा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह ये 1, ये 2। ठीक है, और इसमें फोल्ड है तो फोल्ड साइन आपको देना है इस जगह में, इसे ये ऐसे है। ठीक है, और ये बेसिक आपके पास रखना है, बेसिक नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बेसिक रखना है। और उसके बाद हमें फिर से इस पार्ट को कटिंग करना है फ्रेंड। वो कैसे कटिंग करना है, जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सीम्स लेना है इसके अंदर, सिर्फ वो ही फर्क है।
मैंने इधर हाफ इंच सीम्स लूंगा फ्रेंड इस तरफ। अगर आप लोग चाहे तो हाफ इंच, अगर स्टिच में जाए तो हाफ इंच ले, नहीं तो सीम्स में जैसे क्या होता है 0.25 लेने से ही काम हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी तरह लीजिए। और एक पार्ट को क्या करना है, इसे हम फोल्ड में ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ छोटा मोटा कागज लेकर हम इसे फोल्ड में ही कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरफ मैंने इसका भी सीम्स ले रहा हूं, इसमें बस हो गया है। और ये पार्ट हमें नहीं चाहिए, ये पार्ट भी हमें नहीं चाहिए, मगर इसे रखेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में हम देख लेंगे क्या करना है इसका। ठीक है, और इधर इसे भी कटिंग करेंगे हम। ठीक है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। और फ्रेंड इसके बाद में आप लोगों को दिखा दूंगा जैसे कि ये ज़्यादा लेने से कैसा दिखता है, मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिडिल में जो पार्ट है उसे हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम ये दो पार्ट लेंगे। मैंने ये ब्लैक और ये जो तोशो है वो टिशू कपड़ा है उसे हम करने जा रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड में ब्लैक रहेगा, मिडिल में तोशो रहेगा, और मिडिल में जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप लोगों को वो तोशो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन से ही हम इसे तैयार करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ नीचे और भी बहुत कुछ देना है। तो फ्रेंड और अब क्या करें, अब हमें ये दोनों पार्ट कटिंग करके उसके बाद मशीन में बैठ कर आप लोगों को सारे डिटेल्स दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने सबसे पहले इसका दोनों पार्ट तो कटिंग कर लिया है, मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ठीक है, और ये मिडिल का पार्ट है। और मिडिल में क्या करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक अलग कलर इसमें यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा गॉर्जियस के लिए। और फ्रेंड प्लेन चाप से आप लोग इसी तरह मैं जैसे लगा रहा हूँ आप लोग भी लगा सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा स्क्रूड्राइवर को ऐसे घुमाना है तो ये फुटर थोड़ा सा लेफ्ट चले जाएगा, क्योंकि हमें किसी भी हाल में ये बीट को इसके अंदर रखना है बस। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, ये पार्ट को लगाना है इसी तरह जैसे मैं हमेशा दिखाता हूँ। इस नीचे से नहीं दिखेगा इसलिए ऊपर से मैं लगा रहा हूँ। और स्टिच देने के लिए फ्रेंड जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो स्टिच दिख रहा है आप लोगों को इसका लेफ्ट में देना है। ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए इसी तरह आपको शेप कर, तो इस तरह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं दिखा कर फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को ये लगा कर। और फ्रेंड मैं ये जब लगा रहा था एक चीज़ हमें हमारा दिमाग में आया था इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, जैसे कि इस पार्ट को जब भी आप लगाएंगे
तो ये देखिए नीचे से ये ऐसा दिखेगा, यानी कि दोनों पार्ट यानी कि नीचे टिश्यू और ये ब्लैक देख रहा है, इसे सीधा करना है, ठीक है। ये देखिए दोनों तरफ, और उसके बाद इसे ऐसे कर देना है, ठीक है। अगर आप नीचे से करें तो ठीक है। ये देखिए हमें इसी तरह मिला रहा हो, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इसी तरह दोनों पार्ट सही होना मांगता है आपको। ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो आप चाहे तो ऊपर से आप पकड़ सकते हैं। ये देखिए हमारा ऊपर से जो मैंने कपड़ा से जो लगाया है उसके लेवल करके रखा है, और उसके बाद इसी तरह लगा रहा हूँ, ठीक है। ये सब देखना है, तो चलिए मैं ये लगा कर फिर से दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड ये देखिए, इसके बाद हम बकरम इसे कटिंग कर, नीचे हम बकरम देखे इसका इसी तरह लेवल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ बकरम। ठीक है। और ये फ्रेंड आप पहले से भी है, जैसे पैटर्न जिस वक्त मैंने कटिंग कर रहा था उस वक्त भी आप इसका ड्राइंग करके आप मेजरमेंट अच्छी तरीके से करके आप कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो इसी तरह बाद में करिए, बाद में करने से क्या होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसे कटेंगे और इसके नीचे और एक कपड़ा हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या है, हम ये जो साइड में जो कपड़ा यूज़ किया है उसका कोई डिजाइनिंग वाला कोई कपड़ा आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसे मैं कटिंग कर लूँ, कटिंग करके मशीन में दिखा रहा हूँ फिर से। फ्रेंड तो ये बकरम लगाने का थोड़ा सा टेक्निक मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग ये जब बकरम लगाएंगे फ्रेंड, जैसे कि ये जो धागा और ये जो बकरम का एंड है तो ये सही होना चाहिए, और ये सब आपको फॉलो करना है। जैसे कि ये फुटर देख रहा है ना, ये फुटर को जैसे कि ये मिडिल में हम लोग ये बकरम रख रहा है, और जैसा ये निडिल जिधर जाए कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ फ्रेंड ये फॉलो करना है, ये फुटर का इस जगह में जिस जगह में बकरम को हम IQ सेट कर रहा है। उसके बाद इसे कटिंग करना है। आप चाहे तो फ्रेंड इस जगह में आप बीट भी यूज कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए इससे हम अब करेंगे। तो ये क्या होगा, ये सिलाई करने के बाद ये अंदर चले जाएगा, इसके बाद ये जाएगा और ये ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसे लगाना है, और इसके लिए क्या करना है, हमें सेंटरिंग करना है इसका, इसी तरह सेंटर करना है इसका, इसका सेंटर करना है इसी तरह, इसका तो मिडिल हमें दिख ही रहा है, ठीक है। ये देखिए, और ये छत्ती डिज़ाइन फ्रेंड ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये बहुत चल रहा है ये।